प्रोफेसर साहब, आप 1987 से साहब से सीधे जुड़े हुए हैं, 31 साल आपके जीवन के हो गए। आप 70 साल की उम्र में पहली बार मान्यवर साहब से आप मिले और उनके साथ रहे। आप बीएसपी के मेंबर बने 70 साल की उम्र में, तब से लेके आज तक आप आंदोलन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 2500 प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स आपके संपर्क में आज भी हैं, जो बहुजनवादी हैं, बहुजनकारी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और हजारों की संख्या में युवक जो बिल्कुल साइलेंट तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं। और आपने साहब की जो निजी सेवा है, क्योंकि उनके अंतिम क्षणों में भी आप उनके करीब रहे और उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें वो पूरी करते थे। साहब आपको बड़ा प्यार भी करते थे, बड़ा लाइक भी करते थे, और आपको बड़ा अपनी टेक्निक समझा के गए। वो जितनी भी उन्होंने टेक्निक अपनाई, वो सब बारीकियां वो आपसे डिस्कस करते थे, आपसे बताते थे। मगर ये बारीकियां आपने आज तक भी अपने पास रखी हुई हैं। जो हमारा बहुजन युवा है, जो बहुजन लोग हैं, वो साहब की टेक्निक और बारीकियों को नहीं जानते, जो अब खासतौर से पिछले 10-15 साल में युवा हुए। तो हम चाहेंगे कि आप उनकी टेक्निक्स और उनकी जितनी भी मारक क्षमताएं थी साहब की, जो आपने सीखी उनसे, वो सब यहाँ ब्रीफ में, कम से कम शब्दों में और कम से कम टाइम लेते हुए बताएं। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब की जो सबसे बड़ी खूबी, जो सबसे बड़ी खासियत उनकी रही, कि उन्होंने उस समाज को, जिस समाज के पास पहनने के लिए नहीं था, जिस समाज के पास खाने के लिए नहीं था, जिस समाज के पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं था, उस समाज को ना सिर्फ इकट्ठा किया, बल्कि उस समाज को वास्तव में हुक्मरान समाज बना के दिखा दिया। आपने शुरुआती दौर की बात की, मैं तब शायद मैं ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया ही लिया था, ये 96 की बात है, 97 के आसपास की बात है ये। उस समय पे साहब का एक नारा जो मुझे बहुत ही दिल को छूने वाला था और जिसको आज भी बोल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो नारा था कि आवर अल्टीमेट एम इज़ टू रूल इंडिया। अगर 85-86 में, अब से 32-33 साल पहले, उस तरह का नारा हमें सुनने को मिला, उस तरह का स्टेटमेंट सुनने को मिला, तो उसके बाद से जब पहला अवसर मुझे मिला तो मैं इस आंदोलन के साथ जुड़ा। 87 में पहली बार जो बीएसपी की एक यूनिट हमारे यहाँ पे बनी, उसका मैं ब्लॉक सेक्रेटरी था इनफैक्ट। और उसके बाद से फिर सैकड़ों बार अवसर मिले इस आंदोलन में साहब से बात करने का, साहब से मिलने का, और बहुत सारी चीज़ों को समझने का, देखने का, और अपनी तरफ से जो भी कार्य कर सकते थे। आपने एक बात कही कि आप बाकी लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये कहना गलत है। दरअसल साहब का जो तरीका था, वो साहब का तरीका एकदम अलग तरीका था। उसमें साहब व्यक्ति से, जिस भी व्यक्ति के साथ साहब ने थोड़ी देर के लिए भी बात कर ली, वो हमेशा के लिए उनका हो गया। आज भी मान्यवर साहब के बारे में नकारात्मक बोलने वाले, भले ही उनके कितने बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों, कोई व्यक्ति आज भी देश के अंदर नहीं है, ढूंढने में आपको आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि वो क्या चीज़ें थीं जिनकी वजह से साहब ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया पूरे देश के अंदर। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि देश के अंदर लाखों इस तरह के कार्यकर्ता हैं जो साइलेंटली इस आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, उसको बहुत शिद्दत के साथ पूरे देश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखते हैं कि आज उस तरह के लोग, जो जिनके बारे में हमने ना कभी सुना था, जिनको ना कभी देखा था उनके आंदोलन के बारे में, अब वो सारे लोग राष्ट्रीय फलक पे छा रहे हैं। आज बहुजन आंदोलन पूरे देश में है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, देश का कोई ऐसा जिला नहीं है, देश का कोई ऐसा गांव नहीं है, और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर बाबा साहब, जहाँ पर ज्योतिबा फूले, जहाँ पर सावित्रीबाई फूले, जहाँ पर पेरियार, जहाँ पर बिरसा मुंडा, और हमारे ऐसे सैकड़ों जो महानायक और महानायिकाएं थी जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस आंदोलन को लगाया, वो लोग जो हैं पूरी तरीके से अब समाज में अपना स्थान, सम्मानीय स्थान जो है प्राप्त कर रहे हैं। ये साहब का सबसे बड़ा योगदान था कि किस प्रकार से जो हमारे दबे हुए, जो इनको इतिहास में, इतिहास की गर्त में नीचे धकेल दिया गया था, उस आंदोलन को आगे ले गए। साहब कहा करते थे कि ऐसे कम से कम 100 हमारे नायक नायिकाएं हैं जिन्हें हमें राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना है। अभी हम 30-35 लोगों को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ आगे बढ़ेगी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि देखिए, साहब की जो पूरी रणनीति थी, उन्होंने सबसे पहले ये देखने का प्रयास किया कि हमारे समाज के पास
किस तरह के संसाधन हैं, उन संसाधनों में के सीमित संसाधनों के सहारे ही आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर ले दे के किसी तरह का संसाधन था तो हमारे जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास था, इसीलिए उन्होंने वाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन कम्युनिटीज़ फेडरेशन एक ग्रुप बनाया और उसके सहारे उस समाज में उस पढ़े लिखे तबके के अंदर पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत लागू किया, उनके अंदर वो जज्बा पैदा किया, वो चेतना पैदा की, उसी की वजह से बहुत सारे लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। और जो ये 78 में जो वामसे फाइनली बना, उससे पहले 64 से लेके 78 तक 14 साल तक साहब ने ग्रास रूट लेवल पे तैयारी की, लोगों से मिले, बातचीत की, उन्हें समझाया, उन्हें बताया, और फिर लगभग 14 साल बाद जो है इन्होंने वामसेफ का निर्माण किया। ये समझ सकते हैं कि कितनी कितना महीन काम उन्होंने किया होगा। जो आजकल के साथी तुरंत तुरंत कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए एक नज़ीर है कि कोई बड़ी चीज़ इसी तरीके से स्थापित नहीं होती, और फिर ज़बरदस्त तरीके से पे बैक टू सोसाइटी के सहारे, सिद्धांत के सहारे एक बड़ा ऐसा चलता फिरता विश्वविद्यालय स्थापित किया जिसका हर व्यक्ति जो है किसी प्रोफेसर से कम नहीं है, जिसका हर मैं कहूँगा कि हर छात्र प्रोफेसर से कम नहीं है। आप किसी भी बहुजन समाज की विचारधारा के पारंगत व्यक्ति से बात करेंगे तो वो वामसेफ के विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ वहाँ का निकला हुआ वो है। इसके बाद क्या चीज़ें, जैसे उन्होंने फिर बाद में जो है और अपने संगठन का विस्तार किया, DS4 के उन्होंने निर्माण किया। DS4 आप जानते हैं कि ये एक एजुकेशनल विंग था, वामसेफ को उन्होंने बना के रखा कि नॉन एजुकेशनल, नॉन रिलीजियस, नॉन रिएक्शनरी ग्रुप होगा। अभी तक जो सबसे बड़ी कमी हमारे बीच में नज़र आ रही थी वो ये थी कि वो दुश्मन जो है कोई काम करता था, कोई प्रतिक्रिया कोई क्रिया करता था और हम उसका विरोध करते थे, हम उसके प्रतिक्रिया करते थे। लेकिन मान्यवर साहब ने कहा कि नहीं, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है, हमें अपना एजेंडा खुद सेट करना, अपना परमानेंट एजेंडा सेट करना, और धीरे धीरे इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसीलिए आप देखते हैं कि BSP या बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सामान्यतः प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर BSP का निर्माण किया, BSP बहुत जल्दी ही पूरे देश के अंदर छा गई और खासतौर उत्तर भारत में उसने अपने आप को स्थापित कर लिया। और 84 में पार्टी के बनने के बाद जो है 96 में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, और आज भी BSP पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। इसमें दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो हमारे आंदोलन की जो बुनियाद है, वो आंदोलन की बुनियाद है कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था है। अगर जाति व्यवस्था है तो फिर हम आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रतिवर्ता और संघर्ष करते हैं, समाज पूरा बिखरा हुआ है। तो मान्यवर साहब ने इस चीज़ को समझा और कहा कि मुझे जाति व्यवस्था को तोड़ के समाज जोड़ना है, और जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन बनाया चलाया। इनफैक्ट मेरी साहब से पहली मुलाकात इस आंदोलन के तहत ही हुई, और ये शायद 89 या 88 के आसपास थी जो मेरठ में पहली मुलाकात साहब से हुई थी मेरी। उस समय पे ये आंदोलन चल रहा था जिसमें उन्होंने देश के अंदर 7,000 टुकड़ों में बांटे हुए समाज, जिसको बाबा साहब ने ब्रोकन पीपल कहा था, उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया, और अपने समय में ही वो हजारों जातियों को जोड़ पाए। उसी का परिणाम है कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों या शेड्यूल कास्ट के लोग हों या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, अच्छी पोजिशन में नहीं आ रहे हैं। अलग अलग जगह पर जैसे सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात, मान्यवर बाबा साहब से मान्यवर साहब ने इस बात को लिया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि बहुजन समाज खुद शासक वर्ग ना बने। बाबा साहब ने जो 1932 में कहा, जो आगे चल कर 1944 में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को और खासतौर पर जो अनटचेबल कम्युनिटी है उसको इस देश का शासक बनना होगा, ये विचार जो है मान्यवर साहब ने इस देश के दबे कुचले लोगों के दिमाग में सीमेंटेड कर दिया। उसके अंदर एक परमानेंट प्लांटेशन ये हुआ, और ज़्यादातर लोग जो हैं बाबा साहब के उस विचार को कि हम राजनीति जो है, अगर राजनीतिक सत्ता आपके पास है तो आप अपना सामाजिक आंदोलन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मान्यवर साहब ने उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि ये सारा कुछ जो मान्यवर साहब कर रहे थे वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए या जाति को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपना जो बाबा साहब का बड़ा सपना था, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना था, कि जिस प्रकार से अंधविश्वास, अन्याय, अत्याचार और गैर बराबरी की व्यवस्था यहाँ पे है और ज़्यादातर लोग
एक दूसरे के पे निर्भर हैं, खासतौर पे बहुजन समाज जो है वो ब्राह्मीणवाद पे निर्भर है, अपनी चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, या राजनीतिक स्थिति हो, या धर्म के स्तर पर भी। तो जो प्रबुद्ध भारत का जो कंसेप्ट बाबा साहब ने दिया उसमें ये बात आई कि हमें बहुजन समाज को इकट्ठा करके, बहुजन समाज को प्रबुद्ध बना के प्रबुद्ध देश का नागरिक बनाना होगा। इसीलिए समाज के ऊपर जो अंधविश्वास का, अन्याय अत्याचार का जो जाला पड़ा हुआ था, जो जंजीरें थीं, उनको साहब ने काट के भारत में वास्तव में बौद्धिक होने की जो परंपरा है उसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की। सिर्फ क्योंकि जो आमतौर पे बुद्धिज्म के बारे में समझा जाता है कि बुद्धिज्म जो है बुद्ध का जो सिद्धांत है या बुद्ध की जो विचारधारा है वो सिर्फ एक धार्मिक विचारधारा है, ऐसा नहीं है, बल्कि बाबा साहब ने अपनी जो किताब है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन उसमें बताने का प्रयास किया कि बुद्ध जो हैं वो महान क्रांतिकारी थे, इनफैक्ट पहले सामाजिक क्रांतिकारी थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी बुद्धिज्म की उसी धारा को आगे बढ़ाया कि बुद्धिज्म जो है वो सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन है, राजनीतिक क्रांति का आंदोलन है। इसीलिए देश के अंदर जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ज्यादातर लोग अंधविश्वास से बाहर निकल चुके हैं, ब्राह्मीणवाद से बाहर निकल चुके हैं और अपने आप को प्रबुद्ध भारत का नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, रेशनलिटी को आर्गुमेंटेटिव इंडियंस के रूप में जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साहब की बहुत इंपॉर्टेंट वो थी और इसका परिणाम भी देखिए हमारे सामने आता है कि मान्यवर साहब यूं ही समाज में इतने लोकप्रिय नहीं हुए उनकी, क्योंकि ये समाज जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कितना ईमानदार है। अगर उसको आपकी ईमानदारी पे विश्वास हो जाता है तो फिर कभी भी आपको वो छोड़ेगा नहीं। मान्यवर साहब ने इस चीज़ को समझा और खुद अपने पूरे जीवन को इस समाज के लिए लगाया। आप जानते हैं कि उन्होंने आजीवन अपने शादी ना करना, कोई संपत्ति एक्वायर ना करना, कोई किसी तरह का जो है शादी विवाह में ना जाना, इन सारी चीज़ों के आधार पर उन्होंने 40 साल इस देश का में इस आंदोलन को चलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो 4000 साल से हमारी व्यवस्था थी, जातिवादी व्यवस्था थी, वो चरमराने लगी। जो बीच में हमारे महापुरुष हुए, हमारी महानायिकाएं हुई, उनके आंदोलन को जमीन पे उतार दिया, उसको एकदम यथार्थ में उतार दिया और आज इस तरह की व्यवस्था सामने नजर आ रही है। कम से कम हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो बाबा साहब ने कहा था कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं बनेगा, हमें सामाजिक लोकतंत्र इस देश में स्थापित करना पड़ेगा। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि इस देश का जो गरीब गुरबा व्यक्ति है, इस देश का जो आम नागरिक है, उसको भी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसी जाति विशेष का यहाँ पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इस देश के लोकतंत्र को, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र को, जो कि खोखला लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र को सामाजिक वैधता प्राप्त मान्यवर साहब ने कराई। इसीलिए उनके नारे देखिए कि राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उनके दूसरे तौर तरीके देखिए कि कम संसाधनों से ज़्यादा बड़ा काम करेंगे, पैदल पैदल चल रहे हैं, उन्होंने कितनी लंबी यात्राएं इस देश के अंदर की हैं। तो सारा उनका जो व्यक्तित्व है, ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में वास्तव में पिछले 70 साल में अगर किसी एक व्यक्ति ने पूरी व्यवस्था को लोकतांत्रिक दिशा देने का प्रयास किया है तो वो मान्यवर कांशीराम साहब हैं। इसीलिए आज उनके बारे में पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नए रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो मान्यवर साहब की रणनीति को समझना चाहते हैं, उनके विचारों को समझना चाहते हैं। धन्यवाद।